एवरीवन, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द सेलुलर स्ट्रक्चर, देन फंगल सेल वॉल कंपोजिशन एंड देन फाइनली वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई. ठीक है, दे आर बेसिक डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हमने फाइव क्लासेस देखी थी, ओमाइसिस, जाइगोमाइसिस, रिटोमाइसिस, एस्कोमाइसिस एंड द बेसोडोमाइसिस. अब इन सभी को डिटेल से पढ़ने से पहले फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द फंजाई. ठीक है, अगर हमें रिप्रोडक्शन का बेसिक पता होगा तो हम सभी क्लासेस के बीच में कंपैरिजन कर पाएंगे कि कौन सी क्लास में कौन सा रिप्रोडक्शन है. और ड्यूटोमाइसिस के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई. फर्स्टली रिप्रोडक्शन इन फंजाई, उसके बाद में फिर हम इन क्लासेस को डिटेल से डील करेंगे. अगर मैं फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करूं तो फंजाई हैव द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो फंजाई हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के तीन टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात कर दें, द फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन सेकेंड वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड देन फाइनली लास्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये थ्री डिफरेंट टाइप्स है, यानी कि फंगस में तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके टाइप्स को हम डील कर लेते हैं. तो फर्स्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें कौन कौन से टाइप आएंगे? इसमें जो पहला टाइप आ गया दैट इज फ्रेगमेंटेशन. फर्स्ट वन इज द फ्रेगमेंटेशन. जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है या फिर ये जो टर्म है, दिस वन केम फ्रॉम द फ्रेगमेंट टर्म. ठीक है, फ्रेगमेंट वर्ड से आए. फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, जिसमें आप किसी भी चीज के छोटे छोटे फ्रेगमेंट कर दें, टुकड़े कर दें, और हर एक पीस बाद में एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे या फिर उसमें कन्वर्ट हो जाए, उसको आप क्या बोलते हो? फ्रेगमेंटेशन बोलते हो. इसमें हम लिख देंगे ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट और स्मॉल पीस बिहेव एज या फिर ग्रो इन न्यू फंगल फिलामेंट. न्यू फंगल फिलामेंट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाए. जैसे हमने देखा था कि मान लो ये टूट गया, किसी भी रीजन की वजह से टूट गया, फिजिकल इंजरी हो गई, कोई भी चीज हो गई, ये टूट के सेगमेंट एक अलग हो गया. अब ये सेगमेंट क्या करेगा? ग्रो करेगा, और ग्रो करके कंप्लीट एक माइसिलियम या फिर हाइफी की फॉर्मेशन कर देते हैं. तो जिसमें हर एक सेगमेंट, हर एक टुकड़ा न्यू फंगस की फिलामेंट की फॉर्मेशन कर दे, दैट इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन. सेकेंड टाइप आ जाएगा, दैट इज बडिंग. सेकेंड वन इज द बडिंग. बडिंग हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, टेंथ क्लास में भी हमने पढ़ा था वहां पर. एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं. बडिंग में क्या होता है कि कोई भी एक आउट ग्रोथ होती है, जिसको आप बड बोलते हो, वो बड सेपरेट होके एक कंप्लीट न्यू ऑर्गन की फॉर्मेशन कर देता है, दैट प्रोसेस नोन एज द बडिंग. ये एक सेल है, एलोंगेटेड हुई, न्यूक्लियस इसमें एलोंगेटेड हुआ, उसके बाद में यहाँ पर ऐसे फोल्डिंग हो गई, न्यूक्लियस यहाँ से ऐसा हो गया, दिस वन इज द न्यूक्लियस, लास्ट में ये टूट गया. ठीक है, अब एक सेल ऊपर छोटी सी रह गई, दिस वन इज नोन एज द बड, जो आउटग्रोथ है छोटी सी,
दैट इन द बड, ये बड अटैच भी रह सकती है और टूट के सेपरेट आउट भी हो सकती है, अलग हो गई। अब ये अलग होने के बाद में फिर से क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, ठीक है, फिर से ये नई सेल के अंदर क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। तो इसके केस में, और ये जो प्रोसेस होगा वो किसके केस में होगा, नॉन माइसिलियम फंजाई के केस में होगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ नॉन माइसिलियम फंजाई लाइक एग्जांपल अगर हम इधर लिखें तो सबसे फेमस है दैट इज द ईस्ट, और ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज द सेक्रोमाइसिस, फुल नेम इज द सेक्रोमाइसिस सेरविसी, ठीक है, सेक्रोमाइसिस सेरविसी। इसके केस में जो ये आउटग्रोथ हुई दैट इज द बर्ड, और ये टूट के फिर सेपरेट आउट होके क्या करेगा, न्यूरिन की फॉर्मेशन कर देगा। जो ये सेल है दैट इज नॉन द मदर सेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मदर सेल, और जो नहीं बनी इसको आप डॉटर सेल भी बोल सकते हो। जो बर्ड थी वो टूट के अलग हो गई तो आल्सो नॉन द डॉटर सेल। काफी कुछ हमने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वन टाइप आ जाएगा फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है कि किसी भी चीज का टूटना, यहीं पर मैं कंप्लीट कर देता हूँ। लास्ट वन टाइप इज द फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, विखंडन, जिसके केस में एक सेल है, ठीक है, यहां पर ग्रोथ कर गई और ग्रोथ करने के बाद बीच में से क्या हो गई है, टूट गई, तो कितनी सेल की फॉर्मेशन हो गई, अभी दो कंप्लीट सेल की फॉर्मेशन हो गई, दैट इज नॉन द फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन भी किसके केस में होगी, इन केस ऑफ द ईस्ट, यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ईस्ट के केस में होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बोलेंगे बर्ड और फ्यूजन, ये दोनों के दोनों प्रोसेस किस में होते हैं, नॉन माइसिलियम के केस में होते हैं, इन नॉन माइसिलियम फंजाई के केस में भी, ठीक है। तो ये हो गए थ्री टाइप्स ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज द फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा फ्रेगमेंट न्यू फिलामेंट की फॉर्मेशन कर देता है। बर्डिंग के केस में एक छोटी सी आउटग्रोथ हो गई जो मदर सेल से छोटी होगी, सेपरेट आउट होकर वो फिर से नई इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देते हैं, दैट इज द बर्डिंग। लास्ट वन इज द फ्यूजन, जिसमें एक सेल टूट के दो सेल बनते हुए दोनों ग्रो करके न्यू फंजाई की फॉर्मेशन कर देगी, दैट इज फ्यूजन। तो यहाँ पर आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज द एसेक्सुअल, नेक्स्ट वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे तो एसेक्सुअल के केस में जो रिप्रोडक्शन होता है दैट टेक प्लेस थ्रू द स्पोर, ठीक है, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, तब अलग अलग टाइप से स्पोर की साथ से रिप्रोडक्शन हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से टाइप आएंगे, कौन कौन से फीचर हैं, वो हम वन बाय वन करके देखते हैं, एक एक करके स्पोर को हम डील करते हुए जाते हैं। सबसे पहला जो स्पोर हम डील करेंगे दैट इज द जू स्पोर, जू स्पोर कंपटीशन एग्जाम के लिए मेन है। इसकी खास बात है कि एक ऐसा है मोटाइल नेचर का। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर के अंदर ये बनता है ना, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के केस में ये स्पोर बनते हैं। तो ये जो अंदर बन रहे हैं दीज आर द जू स्पोर, ये क्या है, जू स्पोर है, और जिसके अंदर ये बन रहे हैं, ये जो पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई बाहर जो आपको दिखाई दे रही है, दिस वन इन द जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम, ठीक है, और ये क्या है, जू स्पोर है, ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर द फ्लैसला, ये क्या है,
फ्लेजलाइन। अभी इनके फीचर की बात करते हैं, कहां का वर्ब बनेगा? अगर एग्जांपल की बात करें तो प्रेजेंट इन द ओमाइसिस क्लास। ओमाइसिस जो एक्वेटिक नेचर वाली होती है, जो पानी के पास में जो फंजाई मिलेगी या फिर जो पानी में मिलती है उनके अंदर होगी, ठीक है। जरूर नहीं कि सभी ओमाइसिस मेंबर में मिले, जो एक्वेटिक नेचर की जो पानी में मिलेगी उसी में ही प्रेजेंट होगी। जैसे एक एग्जांपल है सेप्रोलेंजिया, SAPRO सेप्रोलेंजिया, सेप्रोलेंजिया की किस्म मिलेगी। कैसे होगा ये? मोटाइल होगा। इसकी जो वाल होगी कैसे होगी? थिन वाल होगी। वाल के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। अच्छा, एंडोजिनस है या एक्सोजिनस है? बाहर से आपको ये दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? देखो, जैसे मान लो ये स्पोर है और ये हो गया मेरा जूस्पोरेंजियम, क्या आपको स्पोर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक अंदर बन रहा है, अंदर बनने लग रहा है। तो दिस वन इज द एंडोजिनस नेचर, जो किसी भी चीज के अंदर बने बाहर से ऑब्जर्व ना हो, दैट इज नोन एज द एंडोजिनस नेचर का बोल रहे हैं, जो बाहर से ऑब्जर्व ना हो, ठीक है। तो इसका एंडोजिनस का नेचर फॉर्म्ड इनसाइड द जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम के अंदर बनने लग रहे हैं, ठीक है। तब ये ब्रश अप करेगा तो स्पोर क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। और जहां पे ये स्पोर रिलीज होके जाएंगे वहीं पर ये चीज क्या कर जाएगी? ग्रो कर जाएगी, ठीक है। फ्लैजला का नंबर एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और एसिमेट्रिकल कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट वन, दैट इज द सेकंड वन, दैट इज द स्पोरेंजियोस्पोर। सेकंड वन इज द स्पोरेंजियोस्पोर, काफी कॉमन है। इसमें क्या होगा कि ये फंगल हाइफ है जो जमीन के साथ में जुड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करने लग रही है। दिस वन इज नोन एज द स्टोर्निफेरस हाइफी, स्टोर्निफेरस हाइफी जो ये आउटग्रोथ हो रही है, दीज आर द राइजोइडल हाइफी, राइजोइडल हाइफी। अब इसी हाइफी की एक सेल ऊपर की तरफ ग्रो कर जाती है, ठीक है। ग्रो कर गई तो यहां पर आपको एक स्टार्क लाइक शक्ति दिखाई दी, एक डंडे की जैसी शक्ति दिखाई दे रही है। दिस वन इन द स्पोरेंजियो फोर, फोर का मतलब होता है स्टार्क या फिर डंडा जिसको आप बोलते हो, उसके जैसे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में जो अपर वन जो सेल थी, इट गेट स्वेल अप, ये थोड़ी सी थिक हो गई, ठीक है। अब ये जो थिक स्ट्रक्चर जो बनी है, जो सेलन से बनी है, जो ऊपर की सेल स्वेल होने से बनी है, दैट इज नोन एज द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम बोला। अब इसके बीच में भी एक स्ट्राइल टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है जो इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये जो स्ट्राइल टिश्यू जो यहां पर डेवलप हुआ है, दैट इज नोन एज द कोल्यूमेला, इसको हम क्या बोलते हैं? कोल्यूमेला टिश्यू बोलते हैं। और जो ऊपर वाला रीजन है जहां पर न्यूक्लियस गया था वो फर्टाइल नेचर का है, जहां पर स्पोर बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये हो गया फर्टाइल नेचर, ये फर्टाइल नेचर हो गया। और ये जो है दीज आर द स्पोर, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर द स्पोर, ठीक है। जो नीचे वाला जो रीजन है दिस वन इज द स्ट्राइल, जिसको सिर्फ अटैचमेंट करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ये जो हाइफी है ये कैसे होगी? आपकी वर्टिकल हाइफी है, ठीक है। तो ये फर्टाइल हो गया, फिर स्ट्राइल, ये होगी आपकी स्ट्राइल नेचर की होगी। अब इसके फीचर क्या क्या है इसके, वो हमें यहाँ पर देखने। तो स्पोर का नेचर अगर हम देखेंगे तो अंदर की तरफ बना हुआ तो कैसे हो गया? एंडोजिनस नेचर का हो गया। फ्लैजला क्या है? अब्सेंट है तो फ्लैजला
एब्सेंट, और ये मोटाइल था तो इधर क्या होगा, फ्लैजला प्रेजेंट, फ्लैजला प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो यहां पर लिख दूं मैं, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल नहीं सकता होगा। थिन वाल या थिक वाल, दिस वन इज द थिन वाल। मैं फिर से कह रहा हूं, वाल के ऊपर क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जैसे ही फिलअप होंगी तो ये जो प्रेशर है उसकी वजह से स्पोरेंजियम फट जाएगा, और ये स्पोर एयर में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। जहां पर भी एयर जाएगी स्पोर उसी के साथ में फ्लो करते हुए विंड के साथ में चले जाएंगे। जहां पर भी इनको मॉइस्ट और ऑर्गेनिक कंडीशन मिलेगी वहां पर ये स्पोर क्या कर जाएंगे, इजिली ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो स्पोर फ्लो विथ एयर एंड ग्रो एट मॉइस्ट एंड ऑर्गेनिक प्लेस। ये फिर मैटर बोल दे, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर होगा जो उनको फूड की तरह सपोर्ट करेगी और मॉइस्चर को जर्मिनेट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें कहां पर होगी, तो इसमें फेमस क्लास आती दैट इज जाइगोमाइसिस, पहली के अंदर आई थी ओमाइसिस, यहां पर आ जाएगी जाइगोमाइसिस। इसमें फेमस नाम आता है दैट इज ऑफ द राइजोपस फंजाई का आता है, जो राइजोपस है दैट इज आल्सो नोन एज द ब्रेड मोल्ड, इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। अगर हम कभी गलती से ब्रेड को या खाने को बाहर छोड़ के चले जाएं तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर ग्रो कर जाती है, जिसको आप राइजोपस बोलते हो। दिस वन आल्सो नोन एज द ब्लैक मोल्ड, क्योंकि ये ब्लैकिश कलर की होती है। इसके अलावा एक इसका दूसरा एग्जांपल है फेमस, दैट इज म्यूकर, या फिर इसको म्यूकोर भी बोलते हैं। तो दिस वन इज नोन द डंग मोल्ड, ये डंग के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, तो ये होगी आपका, ये था आपका स्टोनिफेरस, और ये आ जाएगा आपका वर्टिकल हाइफी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये हो गया आपका सेकेंड टाइप के स्पोर हो गया। थर्ड वन इज द क्लेमाइड स्पोर, दो टाइप हो चुके हैं। थर्ड वन इज द क्लेमाइड स्पोर, क्लेमाइड स्पोर सी एच ए एम वाई डी ओ एस पी ओ, क्लेमाइड स्पोर। ठीक है, देखिए क्लेमाइड स्पोर की खास बात क्या है, ये मान लो एक हाइफी है, फंगल हाइफी। इस हाइफी में कुछ सेल के ऊपर थिक कोटिंग, थिक कवरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, थिक कोटिंग आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशन से बचना है इनको। ठीक है, इसलिए इनके ऊपर थिक कोटिंग आ गई। इसके अंदर काफी सारा जो अबंडेंट फूड है वो क्या हो गया, स्टोर हो गया, जो इमरजेंसी में इसको एग्जिस्ट करने में, सर्वाइव करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, तो अगर हम लेबलिंग की बात करें तो अब आपको वाल दिखाई दे रही है, ये एक स्पोर बन गया जिसको हमने क्या बोल दिया, क्लेमाइड स्पोर बोल दिया। अब इसकी वाल कैसी दिखाई दे रही है, तो दिस वन इज द थिक वाल, ये इसका मेन पॉइंट। जितने भी फाइव टाइप की स्पोर है उनमें से क्लेमाइड स्पोर ही कैसे होगा, थिक वाल, बाकी के जितने भी है सारे के सारे कैसे होंगे, थिन वॉल होंगे। तो ये आंसर आएगा थिक वॉल स्पोर में, दैट इज द क्लेमाइड स्पोर। ठीक है, यहां पर ये क्या है, हैव अबंडेंट फूड, अबंडेंट फूड, और ये जो थिक वॉल है इसको सेपरेट आउट करने में और प्रोटेक्ट करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। अब इसके करेक्टर देखें तो आपको ये बाहर से दिखाई देगा, तो बाहर से दिखाई दे रहा है तो कैसे नेचर का हो गया, एक्जोजिनस नेचर का हो गया। सुन द एक्जोजिनस नेचर कैसे है, थिक वाल है, अभी हमने बात करी थी। फ्लैजला है क्या, नहीं, तो फ्लैजला क्या होंगे, एब्सेंट। अगर फ्लैजला एब्सेंट है तो ये कैसे नेचर को जाएगा, ऑफ द नॉन मोटाइल नेचर, है ना।
नॉन, कभी नॉन मेडिकल कर दो, दिस वन इज द नॉन मोटाइल है ना, नॉन मेडिकल नहीं है ये। और ये जो थिक वाल डेवलप होती है वो सिर्फ और सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में ही डेवलप होती है, ठीक है? तो थिक वाल डेवलप ओनली इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में ही आती है। अगर एग्जांपल की बात करें कहां पर बनता है, तो एग्जाम्पल में हम लिख देंगे जाइगोमाइसिस क्लास के अंदर, जिसके अंदर क्या बन रहे थे, स्पोरेंजियोस्पोर भी बन रहे थे, हमने ऊपर भी पढ़ा था स्पोरेंजियोस्पोर जाइगोमाइसिस में, तो वही। तो यहाँ पर भी राइजोपस और म्यूकोर वगैरह आ जाएगा, क्लियर होगा? तो ये हो गया क्लेमाइडोस्पोर जो अनफेवरेबल कंडीशन में थिक करता है, यहां से कनेक्शन टूट जाएगा, ये अलग हो जाएंगी स्ट्रक्चर, तो ये इसको कवर करने में और सेपरेट आउट करने में हेल्प करती है। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तो एंडोस्पोर की तरह इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो क्या कर जाएगा, ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं फोर्थ स्पोर, दैट इज ओइडिया। तो जो अगला स्पोर आ जाएगा हमारा, दैट इज ओइडिया के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो फोर्थ स्पोर आ गया दैट इज ओइडिया, ठीक है? ये स्पोर इसके मेन है। ओइडिया मेनली कहां पर डेवलप होता है, कि जैसे मान लो ये कोई हाइफी है जो मोइस्ट प्लेस या फिर वाटर सोर्स के पास में ग्रो करने लग रही है, जहां पर साल्ट मिनरल्स शुगर काफी ज्यादा हाई है, वहां पर ये ग्रो करने लग रही है, ठीक है? काफी ज्यादा पानी है तो पानी आने की वजह से ट्रगर प्रेशर लगेगा, तो इसके ब्रश अप होने के चांसेस हैं। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये आउट ग्रोथ कर जाती है, आउट ग्रोथ कर गई, यहाँ पर न्यूक्लियस लगातार टूट गए, ठीक है, फ्री डिवीजन हो गया, जो अबेंडेंट वाटर और मिनरल्स वगैरह थे वो भी यहाँ पर क्या हो गए, पास आउट हो गया, ठीक है? तो अभी ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इधर बैलेंस होना स्टार्ट हो गया। अभी क्या करेंगे कि यहां से जो T1 पार्ट है ये फोल्ड होगा और टूट जाएगा, ऐसे फोल्ड होगा और ये क्या करेगा, टूट जाएगा, लगातार ये ऊपर की तरफ बर्डिंग करता हुआ जाएगा और टूटना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, ठीक है? ऐसे हो गया। कई बार ऐसा होता है कि टूटते नहीं है और लगातार ये अटैच ही रहते हैं, ठीक है? जैसे इसमें तो ये कैसे हो गया, फ्री ओइडिया स्पोर हो गए। लेकिन एक और कंडीशन है जिसके केस में मान लो ऐसी कंडीशन आ गई, यहां पर ये बडिंग करते जा रहे हैं बट सेपरेट आउट नहीं हो रहे हैं। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं दैट इज द टोरोला स्टेज, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं, टोरोला स्टेज बोलते हैं, जो टोरोलेशन शो करता है। एनिमल किंगडम में एक ऑर्डर आता है दैट इज द टोरोला, तो उसके जैसी ये शेप दिखाते हैं, तो दिस वन इन्होंने द टोरोलेशन। ये स्पोरस है जो इमीडिएटली क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा, किसी भी चीज की ये वेट नहीं करेगा, क्योंकि ये किस में बनने लग रहा है, फेवरेबल कंडीशन में बनने लग रहा है, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ स्पोर विल ग्रो इमीडिएटली बिकॉज दे फॉर्म इन फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि ये किस में बनने लग रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन में बनने लग रहे हैं। इसके फीचर क्या क्या है वो आप देख सकते हो, बाहर बन रहे हैं अंदर, भाई बाहर ही तो बनने लग रही है, अभी हमने देखे थे बाहर की तरफ, तो बाहर बनने लग रहे थे, कैसे नेचर को गए, एक्जोजीनस टाइप के स्पोर हो जाएंगे। फ्लैजेला क्या है, अब्सेंट है, तो ये कैसे हो गए, नॉन मोटाइल नेचर के हो गए। इसके अलावा इनके अंदर जो साल्ट की कंसेंट्रेशन है, साल्ट या शुगर की, वो कैसे रहेगी, हाई रहेगी, तो हाई साल्ट शुगर या फिर मिनरल कंडीशन, इनके अमाउंट क्या होगी, हाई होगी। पीएच जनरली कैसे होगा, लो होगा,
जहाँ पे लो पीएच होता है वहां पर ये चीज क्या करती है, डेवलप करती है। और ये हमने लिख दिया था ऊपर कि डेवलप इन इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये क्या होंगे, ये डेवलप होंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें कहाँ पर मिलेंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका जाइगोमाइसिस के अंदर ही आ जाए, ठीक है। और एक खास बात और कि तब ये बनते हैं, बर्ड बनते हैं, तो बर्ड बनने की जो इनिशियल जो स्टेज रहती है उसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, दैट इज द प्रोब्यूटेंस बोलते हैं इसको। प्रोब्यूटेंस, ठीक है। ये क्या, दिस मीन द इनिशियल स्टेज ऑफ द बडिंग। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इनिशियल स्टेज ऑफ बडिंग। तब बडिंग होने स्टार्ट हुई थी, तब फोल्डिंग होने स्टार्ट हो गई थी, तो उस स्टेज को हमने कलेक्शन नाम दे दिया, दैट इज द प्रोटोबियोसिस को बोलते हैं, ठीक है। और ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर डेवलप होगी जहां पर साल्ट मिनरल्स या वाटर की अमाउंट कैसे रहेगी, हाई रहेगी। तो यहां पर लिख दिया था हाई अमाउंट ऑफ साल्ट वाटर ये जाता, ठीक है। लास्ट जो स्पोर हमारा बच गया, दैट इज दिस वन इज द कोनिडिया स्पोर। कोनिडिया स्पोर काफी मेन है, ठीक है। कैसे इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो बेसिक स्टॉक है जहां पर ये ग्रो करती है, दिस वन इन्होंने द कोनिडियोफोर मेन जो है कोनिडियोफोर बोला। अभी कोनिडियोफोर आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो पहली ब्रांचिंग है इधर इन्होंने द प्राइमरी ब्रांचिंग, आल्सो नोन एज द रेमी। क्या बोलते इसको, रेमी बोलते। ये जो है वो आगे, ये जो प्राइमरी ब्रांच थी वो आगे जाके फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ऐसा डिवीजन हो रहा है। तो ये जो सेकेंडरी ब्रांचिंग चाहिए, सेकेंडरी ब्रांचेस दैट इन्होंने द मेटुले, सेकेंडरी इन्होंने द मेटुले। इन मेटुले के ऊपर कुछ बोटल शेप स्ट्रक्चर रहती है, हैव द बोटल शेप स्ट्रक्चर एंड दिस बोटल शेप स्ट्रक्चर इन्होंने द स्टेरिग्माटा। दीज आर द बोटल शेप्ड स्ट्रक्चर। और इन बोटल शेप स्ट्रक्चर को क्या बोला, दैट इज स्टेरिग्माटा, इसको हमने बोला। और अब ये जो स्टेरिग्माटा जो है ऊपर बोटल शेप की, वो लगातार बडिंग करती जाएगी और स्पोर की फॉर्मेशन करती जाएगी। जो पहला बनेगा वो सबसे ऊपर की तरफ रहेगा, और जितने भी नए बनेंगे वो सारे के सारे नीचे की तरफ आते जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम अरेंजमेंट दिखा सकते हैं इसका, कि जो ओल्डेस्ट वन है, जो सबसे पुराना है, वो कहां पर है, ऊपर की तरफ, और जो न्यूवेस्ट है वो किधर है, नीचे की तरफ। तो दिस वन इज द ओल्डेस्ट कोनिडिया, और जो यंगेस्ट है या फिर जो न्यू वन है वो नीचे की तरफ है। तो ऊपर से नीचे की तरफ अरेंजमेंट आने लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो ये बना था पहला, और सबसे लास्ट में ये आ गया। तो ऊपर से नीचे की तरफ अरेंजमेंट हो रहा है, अप टू डाउन। तो दिस वन इज द बेसिपिटल अरेंजमेंट, तो इसको हमने बोल दिया दिस वन इज द बेसिपिटल अरेंजमेंट अप टू डाउन। वही जो स्पोर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आने लगे, ठीक है। तो ये हो गया कोनिडिया का स्ट्रक्चर। अब इसकी बातें क्या क्या होंगी, इसके करेक्टर क्या क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। कैसे है, नॉन मोटाइल है, फ्लेजल एब्सेंट है, यानी कि इसमें द थिन वॉल बताया था कि सिर्फ क्लेमाइड स्पोर को छोड़ के बाकी सारे कैसे रहेंगे, थिन वाले रहेंगे। तो यूनिट मल्टी न्यूक्लेटेड भी हो सकते हैं,
है, बाहर से दिखाई दे रहे हैं तो कैसे हो गया? एग्जोजिनस स्पोर हो गए जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो एक कोनिडियोफोर है वो दो पार्ट में डिवाइड होते जा रहे, हर बार दो ब्रांचेस बनती जा रही, एक दो एक दो एक दो। तो जनरली ये जो अरेंजमेंट है दैट इज नोन एज द बाइवर्टिसिस्टर, ठीक है। तो डिवीजन इज बाइवर्टिसिलेट, तब दो के अंदर डिवाइड होते, ठीक है, डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, दो ब्रांचेस में वो डिवाइड होते। अगर एक में होता है उसको क्या बोल देंगे? मोनोवर्टिसिलेट बोल देंगे। अगर एग्जांपल की हम बात कर दें, एग्जांपल इसमें कौन कौन सा आएगा, तो सबसे मेन आ जाएगा दैट इज एस्कोमाइसिस। एस्कोमाइसिस में मिलेगी, एस्कोमाइसिस में कौन कौन से फेमस एग्जांपल है? पेनिसिलिन आ गया, दूसरा आ गया एस्परजिलस जो ये ध्यान उन्होंने द कलर्ड मोल्ड, इनको हम कलर्ड मोल्ड बोलते हैं। अगर पूछा जाए पेनिसिलिन का नेम क्या है, तो दिस वन इज द ग्रीन मोल्ड, ये ग्रीनिश कलर के होते हैं, तो इसको ग्रीन मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये थे आपके 5 डिफरेंट टाइप के स्पोर जो कंप्लीट हुए इधर वेल डिटेल के साथ में, ठीक है। जो जो क्वेश्चन निकलते वो आपको मैंने यहाँ पर बता दी। देखिए यहाँ पे मैंने दो टर्म और लिखी है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, द फर्स्ट वन इज द प्लेनोस्पोर। अगर कोई भी स्पोर है जो स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप हो और वहां पर फ्लैजला प्रेजेंट हो, तो उस स्पोर को हम प्लेनोस्पोर बोल देंगे। स्पोरेंजिया में हो फ्लैजला प्रेजेंट हो, जैसे कि था जो स्पोर, तो किस कैटेगरी में जाएगा? प्लेनोस्पोर में। इसकी जस्ट अपोजिट आ जाएगा आपका ए प्लेनोस्पोर, जो बाहर बने और वहां पर फ्लैजला क्या हो, अब्सेंट हो, तो उसको हम बोल देंगे ए प्लेनोस्पोर। फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा इधर, जैसे कि कोनिडिया, ओइडिया, या जाएंगे ए प्लेनोस्पोर। आई थिंक शायद ये क्लियर होगा आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फंजाई, जो काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।